हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम एक रिकैप लेंगे। इससे पहले कि क्लास में हमने पढ़ा था कि नंबर्स, नाउन हैज़ नंबर्स, नाउन के नंबर होते हैं। और नंबर दो तरह के होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लुरल नंबर। सिंगुलर मतलब होता है वन एंड प्लुरल मतलब होता है मोर देन वन, ठीक है। उसके बारे में हमने पढ़ा था कि हाउ टू मेक सिंगुलर नाउन टू प्लुरल नाउन। सो देयर आर फोर मेथड्स वी हैव यूज्ड, बाय एडिंग एस, बाय एडिंग ई एस, बाय एडिंग आई ई एस और बाय एडिंग वी ई एस। ये चार तरह से हमने सीखा था कि सिंगुलर से प्लुरल बना सकते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कुछ नाउन्स के बारे में, जो डिटेल थोड़ा सा। नाउन एंडिंग इन अ कंसोनेंट प्लस ओ जनरली फॉर्म दे आर प्लुरल बाय एंडिंग ई एस। सो जो नाउन ओ पर ख़त्म हो और उससे पहले वाला जो लेटर है वो कॉन्सनेंट हो, ठीक है, ओ पर ख़त्म हो उससे पहले वाला लेटर कॉन्सनेंट हो, तो हम उसमें ई एस लगाते हैं प्लुरल बनाने के लिए। समझ में आ रही बात? आप देख लें, हीरो, यहाँ पर एक वर्ड है हीरो, ये ओ पर ख़त्म हुआ। जितने वर्ड आपको दिख रहे हैं, हीरो, नेग्रो, पोटैटो, वोल्केनो, मैंगो, मॉस्किटो, बफेलो, टमेटो, सो ये सारे वर्ड जो है ना ओ पर ख़त्म होते और उससे पहले वाला जो वर्ड लेटर है वो कंसनेंट है। आई होप कंसनेंट पता ही होगा। कंसनेंट मतलब होता है ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी लेटर जो बचते हैं उसको कंसनेंट कहते हैं। तो कंसनेंट मतलब ए ई आई ओ यू ना हो, ओ के बाद पहले ए ई आई ओ यू में से कोई लेटर ना हो, तो हम उस नाउन को, सिंगुलर को प्लुरल बनाने के लिए ई एस का इस्तेमाल करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट। नाउ लुक एट हियर, हीरो बिकम्स हीरोज, बफेलो विल बिकम्स बफेलोज, नेग्रो विल बिकम negros, tomato will tomatoes, potato becomes potatoes, volcano becomes volcanoes, mango becomes mangoes, mosquito becomes mosquitoes. नेक्स्ट उसके बाद हम पढ़ते हैं द फॉलोइंग नाउन्स फॉर्म दे आर प्लुरल बाय चेंजिंग द इनसाइड। ये जो नाउन है ये अपने अंदर के वॉवल्स को बदल करके हम ये प्लुरल बना लेते हैं, सिंगुलर से प्लुरल बन जाते हैं, ठीक है। अब इसका देखे कोई वे तो नहीं, अब समझेंगे। इसके वॉवल्स को चेंज करना है। फूट, फीट, ओ चेंज हुआ ई में। माउस, माइस, मैन, मेन, गूज, गीज, टूथ, टीथ, वुमेन, विमेन। तो ये सारे लेटर्स हैं, आप देख लें, इसको चेंजेस आपको कुछ भी नहीं है। अंदर के जो वॉवेल है वो चेंज हुआ है और थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। आई होप यू आपको समझ में आया है। आगे देखते हैं, नोट द प्लुरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नाउन्स। हम जो कंपाउंड नाउन्स कहते हैं, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को कंबाइंड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, कंपाउंड नाउन बन जाता है। फॉर एग्जांपल, स्टेप एंड सन, स्टेप सन मतलब सौतेला लड़का। अब हम इसको चेंज करेंगे स्टेप सन्स में, सन्स बनाएंगे। स्टेप मदर बिकम्स स्टेप मदर्स, पैसर बाई मतलब राहगीर, स्टेप मदर मतलब होता है सौतेली माँ, ठीक है, पैसर बाई मतलब होता है राहगीर, तो बनता है पैसर्स बाई मतलब बहुत सारे राहगीर रास्ता चलने वाले। मेड सर्वेंट मतलब नौकरानी, मेड सर्वेंट्स प्लुरल हो जाएगा सर्वेंट्स, ठीक है। सन इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। अब देख लें इसमें सन, फादर, मदर, इन्हीं को हम प्लुरल बनाएंगे। सन का सन्स हो जाता है तो सन्स इन लॉ हो जाएगा, फादर का फादर्स हो जाता है फादर्स इन लॉ, मदर का मदर्स इन लॉ, ठीक है। उससे वाशर मैन, तो मैन का क्या हो जाएगा, मैन हो जाएगा, वाशर मैन। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वॉवेल को चेंज किया, तो ये हो गया कंपाउंड नाउन्स जिसको हम सिंगुलर से प्लुरल बनाते हैं। मैटर समझ में आ गया होगा, जितने सन, मदर है ना, पैसर, सर्वेंट, इन सबको जो है प्लुरल बना देंगे, बाकी सब हो जाएगा। अच्छा, आगे, सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन द सिंगुलर एंड द प्लुरल एज शीप, डियर, फिश, ट्राउट, पेयर, डजन, स्कोर, हंड्रेड, थाउजेंड, एट्सेट्रा। सो कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका फॉर्म सिंगुलर वही है, प्लुरल भी वही होता है, ये चेंज नहीं होते। तो शीप का शीप होगा, डियर का डियर, सिंगुलर प्लुरल दोनों वही होगा, ठीक है। लेकिन कब होगा, जब इसके पहले ये न्यूमरल्स आ जाएंगे तब, यानी न्यूमरल्स मतलब नंबर, वन, टू, फाइव। जैसे पेयर, शिप इज़ माइन, दोज शिप आर माइन, देयर इज़ वन फिश इन द पॉन्ड, देयर आर थ्री फिश इन द पॉन्ड, आई बॉट वन डजन पेंसिल, आई बॉट टू डजन पेंसिल्स। सो आई होप यू अंडरस्टूड, डजन और टू डजन लिखा तो डजन्स नहीं बनाएंगे कि नंबर है, इसलिए डजन डजन्स नहीं होगा, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट वन हियर, द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक अ सिंगुलर वर्ब। ये जो नाउन आपके सामने हैं ये सब जो है सब सिंगुलर हैं, हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे और सिंगुलर वर्ब भी लेंगे, ठीक है। सीनरी,
सीनरीज नहीं बनाना, गलत है। फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं करना, गलत हो जाएगा। न्यूज़ ये हमेशा लग तो रहा है एस है, लास्ट में प्लुरल होगा, लेकिन ये सिंगुलर है, सो इसको सिंगुलर ही ट्रीट करना है, आप इसको प्लुरल मत समझिए। इनिंग्स में भी एस लगा है तो यह सिंगुलर ही है, प्लुरल नहीं है। मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, पॉलिटिक्स में आप देख लें कि इसमें एस लगा है, इसलिए यह सब जो है प्लुरल नहीं है, सिंगुलर है। क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टूड इट। ओके, समझ में आ गई बात। सो सीनरी एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस न्यूज इज नॉट ट्रू, दिस न्यूज इज नॉट ट्रू। ओके, दिस फर्नीचर इज फॉर सेल, इस आर नहीं करेंगे, न्यूज का आर नहीं करेंगे। द सीनरी वॉज चार्मिंग। ओके, मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स को प्लुरल नहीं बनाएंगे, मैथमेटिक्स ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, इसलिए इज लगाएंगे। सीनरी इज अ सिंगुलर नाउन एंड ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब, इसलिए वॉज लगाएंगे, वर्ब नहीं लगाएंगे। क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टूड इट। नेक्स्ट आते हैं, लेटर्स एंड फिगर्स आर मेड प्लुरल बाय एडिंग एस सिंगुलर। अच्छा, लेटर ऑफ कुछ, लेटर को और फिगर को हम क्या करेंगे, प्लुरल बनाएंगे तो एस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एड टू फाइव्स एंड फोर टूज, दो पाँच और चार दो को जोड़ो, ठीक है। काउंट ऑल द आईज एंड ओज ऑन द ऑन दिस पेज, तमाम आईज और ओज जो है इस लेटर में, इस पेज में जितने हैं सबको गिनो। ये होता है आईज एंड ओज को प्लुरल बनाना। आई होप यू अंडरस्टूड इट। नेक्स्ट आते हैं, द फॉलोइंग नाउन्स ऑलवेज टेक अ प्लुरल वर्ब, ये सब प्लुरल हैं और प्लुरल ही वर्ब लेंगे, ठीक है, सिंगुलर नहीं बनाना इसको। ये सब प्लुरल हैं और प्लुरल ही वर्ब लेंगे। आप देख लें, कैटल, trousers, people, cloths, scissors, spectacles, thanks, arms, riches. अच्छा, एक चीज़ इसमें देखना, trousers, अच्छा दो पार्ट होते हैं trousers में ना, दो पैर होते हैं इसमें। people, अच्छा छोड़ो, cloths में भी दो पार्ट होते हैं, दो आम होते हैं, ठीक है। scissors में दो पार्ट होते हैं, ये सब spectacles में दो पार्ट होते हैं, तो ये सब चीज़, ये तो कॉमन सेंस है, ये plural ही रहेंगे, सिंगुलर नहीं बनाना इसको, ठीक है। और ओके, आगे आते हैं, ये उसके साथ जो है प्लुरल ही रहेगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट। अब एग्जांपल देखते हैं, हिज ट्राउजर्स आर टॉर्न, ट्राउजर्स के साथ आर लगाएंगे क्योंकि प्लुरल है। हियर क्लॉथ्स वर डर्टी, दिस सीजर्स आर ब्लंट, मेनी पीपल हैव बीन हर्ट। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। ओके, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, या क्वेश्चंस लिखे हैं, 8 क्वेश्चंस हैं, इसको आपको सही करना है। इसमें मिस्टेक है, वही सिंगुलर और प्लुरल का ही मिस्टेक है। आप देख लें, जहाँ पर जो नाउन हमेशा प्लुरल होते हैं उनके साथ प्लुरल वर्ब होना चाहिए, तो हम वहाँ पर सिंगुलर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। And if you like it, please share it and tell your friends to subscribe it. Thank you very much. See you again in next video, inshallah.